अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास आज का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल जो है वो 7.9 है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, हमारे पास 18 न्यूटन है। कहाँ पर है? हवा के अंदर है, एयर के अंदर है। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। एक लिक्विड बाहर जब हम उसका आम एनवायरनमेंट के नीचे बाहर अब हम बाहर हैं तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैं इसका जो इसमें वेट है वो कितना है, वो 18 न्यूटन है। जब मैं इसको वाटर के अंदर डिप करता हूँ, वाटर के अंदर इसको मैं इमर्स करता हूँ तो इसका जो वेट होता है वो हम फाइंड करते हैं वो कितना है, 11.4। तो अब कहता है वो कहता है कैन इन वाटर इट्स डेंसिटी, क्या जो गैस का मटेरियल होता है हम इसके क्या करना है कि जब हम इसको इसकी एक तो हम इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, नंबर दो हम इसके क्या करना है कि बताना है कि ये मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इसके लिए थोड़ा सा एक रिव्यू करवा दूँ कि हमने जो है अल्केमिनस प्रिंसिपल पढ़ा था। तो अल्केमिनस प्रिंसिपल के अंदर जो है उस टॉपिक के बाद हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने डेंसिटी ऑफ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए जो है हमने देखा था कि हमारे पास वो हेल्प स्प्रिंग बैलेंस होता था, हम उसको डिप करते थे वाटर के, पहले हम उसको वेट फाइंड करते थे, जब वाटर के अंदर उसको डिप करते थे तो उसके अंदर उसका जो वेट होता था वो हम उसको निकालते थे, तो पहले में से बाहर वाले को माइनस करके तो हमारे पास एक वो फार्मूला के जरिए तो हमारे पास जब उसकी डेंसिटी आ जाती थी। तो सेम उसी तरह जो है हमने इसको करना है, तो हमारे पास जो है इसका जो वेट इन एयर इसको मैं कह रहा हूँ W1 वो है 18 न्यूटन और वेट इन वाटर जो है जब इसको इमर्स किया था W2 मैं इसको कहता हूँ 11.4 न्यूटन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, हमारे पास ये चीज होती है। ठीक हो गया, तो अब जो है मैं इसको फार्मूले के जरिए हम उसके करना है फाइंड करना था हमने व्हेन इमर्स्ड इन वाटर कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो हमने इसकी अब डेंसिटी जो है वो हमने डी फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो फार्मूला था डी इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी या रो जो है, ये हमारे पास इसका ये फार्मूला था। तो W1 हमारे पास 18 है, W18 माइनस ये W2 11.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 18 माइनस 11.4 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक हो गया, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 10^3 लिख लेंगे, 18 डिवाइड बाई 6.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.27 10^3 हो जाएगा। अब 0.27 मल्टीप्लाई बाई 10^3 ये 3 है, ये 3 डिजिट से हमारे पास आगे हो जाएगा, आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये डेंसिटी हो गई, तो अब वो कह रहा है ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ गई है। तो वो कहता है लास्ट में वो कहता है कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल है वो किस ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो हमें पता है कि जो पीछे हमने इसका जो टेबल है स्टार्ट में हमने आपको याद करवाया था, तो उसके अंदर जो हमारे पास एल्यूमिनियम जो है उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी होती है 2700। तो ये उसके जो ये करीब करीब है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा मटेरियल है ये कौन सा है, ये एल्यूमिनियम है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरे इस न्यूमेरिकल आज की समझ आई होगी, किसी भी किस्म की क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है उसको वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं।